मेरे घर में तो अक्सर जब भी कोई नापसंद की सब्जी बनती है तो फटाफट से आलू जीरा भी साथ में बन जाता है, और ऐसा कोई भी नहीं जिसे आलू जीरा पसंद ना हो। लेकिन वही आलू जीरा मैं आज थोड़ा सा ट्विस्ट देकर बनाऊंगी, जिससे उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितु, टेस्टी एंड हेल्दी में आपका स्वागत है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 5 उबले हुए आलू, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च कटा हुआ, नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, जीरा और कसूरी मेथी ली है। अब हम उबाल कर कटा हुआ आलू लेंगे और उस पर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल के गरम होते ही उसमें 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच जीरा और जीरे के तड़कते ही उसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और उसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। फिर इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। जब हल्दी अच्छी तरह से पक जाए फिर इसके अंदर हम कसूरी मेथी लगभग 1 बड़ा टीस्पून डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से चलाएंगे। उसके बाद में इसमें वो जो आलू हमने नमक मिर्ची धनिया सब कुछ डाल के रखा था, उस आलू को इस कढ़ाई में डाल देंगे और तब तक चलाएंगे जब तक कि आलू तेल और मसालों के साथ में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। इस आलू में जो मैंने ट्विस्ट दिया है वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऐड करने से इसकी खुशबू के साथ साथ इसका टेस्ट भी 4 गुना बढ़ गया है। अब हमारा आलू अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, भून चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और फिर थोड़ा सा चलाएंगे। अब ये हमारी सब्जी पूरी तरह से तैयार है। आप इसे दाल चावल के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं या दाल रोटी के साथ भी आप इसे खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें। थैंक यू।